फादर्स डे पर देखिए पापा का सरप्राइज। आज मम्मी और पापा की एनिवर्सरी है और ये लोग सो रहे हैं, सुबह हो चुकी है और हम इनको जाके उठाएंगे। उठ जाओ सुबह हो चुकी है उठ जाओ, आज एनिवर्सरी है मम्मी पापा की, उठ जाओ। पापा तो है नहीं, क्या फायदा एनिवर्सरी का। मैडम यस, क्या कर रहे हैं आप? हम खा रहे हैं फ्रूट्स। इसके बाद क्या खाने का मन है? मैं सिर्फ हेल्दी खाती हूँ आजकल, आई एम ऑन डाइट। किचन से कुछ खुशबू आ रही है हमको। मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। तुम्हें कोई खुशबू नहीं आ रही, ठीक है जो किचन में है वो हम खा लेंगे। क्या बना रही है मम्मी? मम्मी बना रही है पकौड़ी तुम बच्चों के लिए। मम्मी पकौड़ी बना रही है, देखो। वाह, पकौड़ी चल रही है। अब पापा तो आए नहीं है, तुम बच्चों को पकौड़ी खिला दूं और क्या। पापा ने डांट खाने वाले काम किए हैं और क्या। तो कोई बात नहीं, अब एनिवर्सरी वाले दिन पापा साथ नहीं है, कैसा लग रहा है? बच्चों के साथ ही मना लेंगे और क्या। एनिवर्सरी वाले दिन पापा साथ नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे थोड़ा थोड़ी खुशी, थोड़ा थोड़ा कम। मैडम जी, पापा तो आए नहीं। पापा को काम था ना, इसलिए आ नहीं पाएंगे। पापा तो आएंगे नहीं, चलो केक काट लेते हैं और क्या। कौन आया? अरे सरप्राइज। झूठ मूठ बका रहे थे हम कि मैं नहीं आ रहा हूँ। आ गए, आ गए। सही, आप कैसे आए? मैं आ गया एकदम से, मन में आई मेरे, मैं आ गया। मतलब भाई सरप्राइज दे देता हूँ तुम्हें। तो लॉकडाउन भी मिला बीच में? नहीं कहीं नहीं, किसी ने रोका ही नहीं। अरे वाह, ये तो सही हो गया, अब हो जाएगा। लेकिन हमारा केक तो और 400 में बांटना पड़ेगा। चलो गुड, चलो चार में मुझे एक कम देना, थोड़ा सा ज्यादा खा कर गया। पानी पानी दो पहले पापा को, पानी पानी ठंडा मत लाना, नॉर्मल लाना। ये बता वो केक तुझे काटना है, मुझे तो तैयार भी हो रही। तो मैडम जी, अगर आप तैयार हो गए ना तो हम केक काट लें। क्या तैयार होगी मैं? तैयार इतनी देर से तो तैयार हो। ये लड़की तैयार, ये लड़की बिना तैयार हुए, ये हमेशा तैयार रहती है। पापा जी, ये लड़की बिना तैयार हुए ऐसी दिखती है। चलो, आज आपकी एनिवर्सरी है, आपको कैसा लग रहा है? एनिवर्सरी वाले दिन सभी अच्छा महसूस करते हैं, मैं भी अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ। बच्चों के साथ में मिल करके बनाऊंगा, हैं? मैडम साथ होगी, अब की बार ये है तुम्हारे साथ में मना देंगे। मैडम कौन? मैडम है मेरी वाइफ। अच्छा। अनीता। और किसके साथ है? एनिवर्सरी तो वाइफ के साथ ही मनाई जाती है। बर्थडे किसके साथ मनाते हैं आप? बर्थडे तो किसी दोस्तों के साथ मना लेते हैं। बर्थडे और एनिवर्सरी एक दिन आती है ना। और मेरा तो गुड लक है, कम पैसे में ज्यादा काम होता है मेरा। तो पापा ने अचानक से सरप्राइज दिया है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे सरप्राइज तो अच्छा लगा, लेकिन गंजे हो गया है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पानी के गिलास में लगा देने, हस्बैंड भाई पोज पे बैठे हैं स्टेज पे और उनके साथ। तो इतने साल आपको एक साथ हो गए, कोई स्पेशल मोमेंट, कोई मेमोरी जो आपको याद हो? मेमोरी याद है बस, हम जो एक बार लाल किला देखने गए थे। अच्छा। तो लाल किला के गेट बंद मिला तो लाल किला नहीं देख पाई है, मैंने तो कई बार देखा। और अभी भी मम्मी पापा को कहती है तुमने आज तक मुझे रेड फोर्ट भी रेड फोर्ट नहीं दिखाया, तो हम तो गए थे लेकिन गेट बंद मिला। बच्चों का आशीर्वाद, बच्चे होने चाहिए साथ। पापा जी ने अभी अभी बताया कि पापा जी ने आपको लाल किला नहीं दिखाया कभी। अरे
ये तो मन की इच्छा थी वो कि भाई लाल किला देखे, लेकिन इतने साल हो गए दिल्ली में, लेकिन कभी लाल किला नहीं देखा। लाल किला दीवार तो देखी लाल किले की, लेकिन अंदर से लाल किला नहीं देखा। इसलिए ये तो बहुत लंबी कहानी चल रही है। लाल किला की, लाल किला देखने गए भी थे तब तो लाल किला बंद था, तो तब भी नहीं देख पाए। तो अब देखो लाल किले के कब दर्शन हो। तो हमारे दो पड़ोसियों ने हमको सरप्राइज दिया है। सही टाइम पाए, सही टाइम पाए। क्या सही टाइमिंग है यार। ये आपके एनिवर्सरी के लिए, ये आपके बर्थडे के लिए, और ये वाली भी लगा दो किसी चीज के लिए। नहीं, या तो तीन, या तो दो या चार, तीन नहीं। सिर्फ एनिवर्सरी नहीं, मतलब कोई और भी स्पेशल मोमेंट हो आपकी लाइफ में। हाँ, जब पायल छोटी सी थी इसे लेके हम चिड़ियाघर गए थे अप्पू घर। अच्छा। और यो छोटे छोटे पैरों से ऐसे भाग रही थी वहाँ झूलों पे, वो बहुत अच्छा लगा था पहली बार। और भी गोवा गए हैं मैं तेरे पापा, पिछले साल शादी की सालगिरह से पहले समुद्र में माँ नहाए हैं, घूम छप छप कर आए पानी घूमे हैं, हाथ पकड़ के मैगी खाई है, कोल्ड ड्रिंक पी है। और क्या खाया है? और नए साल भी हमने गोवा में मनाया था, बाहर बैठ के खड़े होके हमने वे जो आतिशबाजी देखी। पहली बार ही अपनी लाइफ में अकेले गए थे। मतलब ऐसे तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जाते रहते थे। हाँ। लेकिन पहली बार लाइफ में गोवा का इनका एक ऐसा ट्रिप था जब ये दोनों अकेले गए थे। उस मासल मंदिर में मंदिर में पहले तुझे अपना कुछ बुझाना है। एक लाइट्स ऑफ करके भी पिक ले लो, मस्त आएगी। कौन सी डायरी ढूंढने लगे अब तो? डायरी में क्या करें? अरे उसने कुछ बना रखा है। क्या बना रखा है? अच्छा 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 अच्छा, कर दे लाइट बंद। ये आवाज भी क्यों को पास में रहे? तो पहले हैप्पी बर्थडे मनाओगे या वो मनाओगे? तो जल्दी से क्या मनाना? वो भी मनाना हम गाएंगे तो हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बताओ क्या चॉइस है, हैप्पी बर्थडे मना लो आज। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Oh, my God, how about? Kick it off. Chalo. Ab main fan on kar rahi hu. Aa do. Bachcho. पहले तुझे ही खिला दूं मैं, फिर बच्चों को खिलाऊंगा, उसके बाद में अपना नंबर आएगा देख। I'll just bring us a drink. रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हें ना मैं खिला तो बना बना रहे। लो, मुझे भी खिला दो। थैंक यू वेरी मच। देखो मेरे सरप्राइज देने का रीजन ये था कि आदमी फिजिकली बहुत दूर हो सकता है, इमोशनली एक साथ होने चाहिए, और कुछ मौके ऐसे होते हैं जब हम एक साथ मिल करके उस खुशी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा पर्पज़ ये है कि हम सारे
इकट्ठे हुए और आज तुम्हारे साथ में मिल करके मैं इस खुशी को और ज्यादा कई गुना बढ़ा रहा हूँ। सेलिब्रेट किया सब लोग अकेले होते तो अच्छा नहीं लगता। मम्मी भी अकेला फील करती कि भाई पापा इतनी दूर हैं, लेकिन सिद्धार्थ भी होता तो और अच्छा लगता। और विवेक और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए कुछ, तो और अच्छा लगा। खुशी बढ़ गई, खुशी बात में से बढ़ती है। यस, सेलिब्रेशंस आर मेंट टू बी टुगेदर एंड वी फील गुड। और ये जीवन में एक नई एनर्जी ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें, तो इसलिए और हमें आपस में एक दूसरे को बहुत पास भी लेकर के आते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिन बहुत अच्छा गया, बहुत ही मेमोरेबल था। और ऐसे ही हम एक दूसरे को सरप्राइज देते रहें, सेलिब्रेट करते रहें लाइफ को, डैट इज़ आर मैसेज।